केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसान की अथक मेहनत व वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में 10.6 मिलियन टन यानी कि 3.3% की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में फलों का उत्पादन 103 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019-20 में 102.1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 188.3 मिलियन टन की तुलना में 197.2 मिलियन टन यानी 4.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त 26.1 मिलियन टन की तुलना में प्याज का उत्पादन 26.8 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2020-21 में आलू का उत्पादन रिकॉर्ड 54.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.6 मिलियन टन अधिक है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि टमाटर का उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 20.6 मिलियन टन की तुलना में 21.1 मिलियन टन होने की सूचना है। सुगंधित और औषधीय फसलों में वर्ष 2019-20 में 0.7 मिलियन टन से वर्ष 2020-21 में 0.78 मिलियन टन तक 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षारोपण फसलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 16.1 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 16.6 मिलियन टन हो गया है। वहीं मसालों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 10.1 मिलियन टन से 5.3% बढ़कर वर्ष 2020-21 में 10.7 मिलियन टन हो गया है। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में अब आलू की कीमतें बढ़ने लगी हैं। कारोबारियों का कहना है कि आवकें ठीक ठाक हैं, लेकिन तब भी आलू के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू कम होने से अब रोजाना रेट आसमान छू रहे हैं। मौजूदा समय में आलू 40 रुपये किलो के भाव पहुँच गया है। एक महीने में आलू के रेट डबल हो गए। अन्य सब्जियों की कीमतों में तेजी का रुख है, हालांकि आने वाले दिनों में कीमतें घटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।